मूवी की स्टार्टिंग में फिलीपींस के एक बहुत ही खूबसूरत से आइलैंड को दिखाया जाता है। वहाँ पर पार्टी चल रही थी। यहाँ डार्सी नाम की एक लड़की पार्टी में आती है और सबसे गले मिलती है। वो अपनी मॉम एवा से कुछ बातें करने लगती है। वो दोनों बातें करते हैं कि पार्टी में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट अरेंज हुआ है। ये पार्टी डार्सी और टॉम की वेडिंग की थी। फिर एवा डार्सी से टॉम के पेरेंट्स के बारे में पूछती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी बैग में सामान लेकर बोट की तरफ जा रहा था। वहाँ का गार्ड उसे पायरेट समझता है और गन लेकर उसकी ओर जाता है। वो आदमी बोट में कुछ कर रहा था और गार्ड ने उस पर गन रख दी। इससे डर कर वो आदमी पानी में गिर जाता है। गार्ड को पता चला कि वो आदमी पायरेट नहीं तो एक नॉर्मल सा आदमी है। उसे सॉरी कहता है। उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज करने वाला था। फिर वो गार्ड उसे पार्टी में जाने के लिए कहता है। वो काफी लेट हो गया था और वो आदमी वॉच देखकर भागते हुए पार्टी में जाता है। फिर हम देखते हैं कि डार्सी पार्टी में वेट कर रही थी। तभी हम वहाँ पर टॉम की मॉम कैरल और डैड बेन वहाँ पर पहुंचते हैं। उन्हें देख डार्सी बहुत खुश हो जाती है। उनकी गले मिलती है। कैरल बताती है कि आज का दिन उनकी लाइफ का बेस्ट डे है। वो डार्सी को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि खोल कर देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बोट वाला आदमी टॉम ही था जिसकी आज शादी थी। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम डैड पार्टी में पहुंच गए, इसलिए वो टेंशन में था। कार को स्पीड में चलाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि उस गिफ्ट बॉक्स में बड़े साइज की एक नाइफ थी। डार्सी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर डार्सी के डैड रॉबर्ट अपनी गर्लफ्रेंड कैट के साथ आते हैं। डार्सी उन्हें देख काफी खुश थे। उनकी गले मिलती है। फिर बेन सबसे मिले। बेन की गर्लफ्रेंड को देखकर डार्सी की मॉम थोड़ा सा अपसेट दिखती है। डार्सी कैट से मिलती है और कैट ने कहा कि तुम्हारी वेडिंग पार्टी में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी डार्सी की मॉम ने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। कैरल भी उसके साथ टॉयलेट जाती है। इस बिहेवियर को देखकर डार्सी कैट को सॉरी कहती है। फिर हम देखते हैं कि टॉम भागते हुए डार्सी के पीछे से गले लग जाता है। इसके बाद टॉम ने रॉबर्ट से बातें की। रॉबर्ट उन्हें कहते हैं तुम लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। डार्सी ने कहा कि पैसे सब कुछ नहीं होता। इसके बाद सब लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं। डार्सी टॉम से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे नाइफ गिफ्ट की है, ये तुम्हारी खानदानी नाइफ है। इसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और किस करते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनके बैकयार्ड में लैंड करता है। इसे शॉन नाम का एक आदमी नीचे उतरता है। ये डार्सी का एक्स बॉयफ्रेंड था। डार्सी के डैड ने शॉन को इनवाइट किया था। डार्सी नहीं चाहती थी कि वो इस पार्टी में आए। रॉबर्ट शॉन से मिलता है। इसके बाद शॉन डार्सी को जाकर अपने गोद में उठा लेता है। इसके बाद डार्सी शॉन को टॉम से इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। पार्टी में डार्सी और टॉम एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में थे। टॉम कुछ काम कर रहा था। डार्सी बेड पर थी। डार्सी टॉम को अपने पास बुलाती है और दोनों करीब आके डार्सी टॉम से बात कर रही थी कि हमें इतनी ग्रैंड वेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, उसे एक छोटी सी वेडिंग चाहिए थी। तभी वहाँ पर कैरल आ जाती है। उन दोनों को इन हालत में देखकर समझ जाती है कि ये दोनों करीब आ रहे हैं और उनसे कहती है कि शादी के पहले ब्राइड और ग्रूम इन दोनों को साथ में नहीं सोना चाहिए, एक अपशगुन माना जाता है। इसके बाद फिर टॉम अपने डैड के साथ सो जाता है। अगली सुबह वो दोनों रेडी होने लगते हैं। बाकी लोग सारे अरेंजमेंट में लग गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पायरेट ग्रुप की नजर इस आइलैंड पर थी। वो लोग इस पर अटैक करने वाले थे। अगली सीन में डार्सी रेडी हो रही थी। उसका वेडिंग ड्रेस देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर डार्सी को ड्रेस से बहुत प्रॉब्लम था। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। हम देखते हैं कि टॉम भी रेडी हो रहा था। तभी डार्सी का उसे मैसेज आता है, वो उसे मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ अब पायरेट्स भी हमला करने के लिए रेडी हो गए थे। टॉम फिर डार्सी से मिलने के लिए जाता है। वो एक दूसरे से बात करते हैं और बात करते करते वो झगड़ने लग गए। डार्सी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक नॉर्मल वेडिंग चाहिए, इतनी ग्रैंड नहीं। वो दोनों बहुत एंग्री हो गए। डार्सी गुस्सा हो जाती है और टॉम को चाटा मार देती है। उसकी रिंग उसके मुंह पर फेंक कर वहां से चली गई। उसी मोमेंट पर आइलैंड पर पायरेट आ गए। सब लोग पैनिक हो जाते हैं और भागने लगते हैं। सब पायरेट्स ने लोगों को पकड़ लिया था। टॉम उन्हें नोटिस कर लेता है और भागकर डार्सी के पास आ जाता है। पायरेट्स ने सब लोगों को बंदी बनाकर स्विमिंग पूल में डाल दिया था। वो सब लोगों के नाम के स्टिकर उन पर चिपका देते हैं, बस डार्सी और टॉम को छोड़कर। टॉम फिर डार्सी के पास आता है। डार्सी रूम लॉक कर देती है, उसकी बात नहीं सुनती। टॉम फिर एक पायरेट को अपनी ओर आते देखता है। वो जल्दी से दरवाजा तोड़कर डार्सी के पास आ गया। उसे कहता है कि हम लोगों को पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन वाईफाई और नेटवर्क सब कुछ बंद है। वो दोनों मिलकर फिर प्लान बनाते हैं। टॉम पायरेट का कपड़ों से फेस ढकेगा और डार्सी उस पर स्प्रे कर देगी। वो पायरेट जैसे ही अंदर आता है, टॉम कपड़े से फेस को पकड़ लेता है, लेकिन डार्सी गलती से टॉम पर ही स्प्रे कर देती है। इसके बाद पायरेट ने उन दोनों को पकड़ लिया और बॉस के पास लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पायरेट का रीडर रॉबर्ट से बात करता है। कहता है कि मुझे 45 मिलियन डॉलर चाहिए, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। रॉबर्ट ने कहा कि मैं तब तक पैसे नहीं दूंगा जब तक मैं मेरी डॉटर और सन इन लॉ को सेफ नहीं देख लेता। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्सी और टॉम को कार में लेकर
लेकर जा रहे थे। डार्सी उन लोगों को बातों में फंसाने की कोशिश करती है। सब लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। डार्सी ने उनसे सिगरेट मांगी और वो उसे दे देते हैं। वो फिर उसी सिगरेट से एक आदमी का सर जला देती है क्योंकि ऑलरेडी उसने स्प्रे कर दिया था। आग लगने की वजह से वो दोनों ही कार से गिर जाते हैं। इसके बाद कार बड़े से खाई की ओर जा रही थी। कुछ भी कर कार से उतर कर अपनी और जान बचाते हैं। उसी मोमेंट पर एक पायरेट उन पर हमला कर देता है, पर दोनों मिलकर उस पायरेट को मार डालते हैं। टॉम इस बात से डर गया था। वो सोचता है कि मैंने तो मर्डर किया है, अब मुझे जेल होगी। डार्सी कहती है कि ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था, इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों पायरेट्स की कुछ चीजें उठा लेते हैं। डार्सी कहती है कि उनके हाथ में एक ग्रेनेड है। टॉम ने कहा कि उस ग्रेनेड की पिन तो मेरे पास है। डार्सी जैसे उस ग्रेनेड को छोड़ती तो एकदम से ब्लास्ट हो जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पायरेट्स रॉबर्ट पर प्रेशर बना रहे थे। रॉबर्ट कहता है कि जब तक उसकी डॉटर उसे नहीं दिखती तो एक रुपया भी नहीं देगा। पायरेट फिर उसे स्विमिंग पूल के पास ही छोड़ देते हैं। डार्सी और टॉम उस सिचुएशन से निकले। टॉम उसे कहता है क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। डार्सी अपने अंडरवेयर से मोबाइल निकाल कर उसे दे देती है। वहां पर कहीं पर भी नेटवर्क नहीं था। वो लोग फिर ऊपर के साइड जाने का सोचते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ऊंचाई पर उन्हें एक छोटा सा छोपड़ा दिखा। वहीं पर उन्हें ढूंढते हुए दो पायरेट्स आ रहे थे। टॉम और डार्सी जल्दी से उस जगह पर जाते हैं और नेटवर्क ढूंढने का ट्राई करते हैं। उन दो पायरेट्स ने उन्हें देख लिया और उन पर वो फायरिंग करने लग गए। डार्सी के हाथ से मोबाइल फोन छूट जाता है। वो दोनों फिर सामने की जिप लाइन पर चढ़ जाते हैं। जिप लाइन से जाते समय डार्सी उन पर ग्रेनेड गिरा देती है। वो दोनों उससे ब्लास्ट हो गए। इसके बाद वो दूसरी तरफ आए और वो दोनों बहुत ही खुश थे, लेकिन अंदर से वो काफी दुखी थे क्योंकि आज उनका वेडिंग डे था और ये सब कुछ खराब हो गया था। पुलिस भी आइलैंड के दूसरी तरफ थे। इसके बाद वो ब्रिज के पास आते हैं जहाँ उन्हें सारे गेस्ट दिखते हैं। उन्हें लग रहा था कि सारी गलती उन्हीं की है, इससे वो अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने सोचा कि पहले उन्हें रस्सी खोलनी पड़ेगी। फिर वो छुप कर किचन की ओर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें टॉम की मॉम की नाइफ मिली, पर इस नाइफ से रस्सी काट नहीं पाएंगे। वो लोग कुछ ढूंढने लग गए थे तभी टॉम एक मशीन से रस्सी तोड़ देता है, इससे उसे ब्लीडिंग होने लग गई। ये देखकर डार्सी को चक्कर आकर बेहोश हो जाती है। टॉम फिर उसे एक जगह पर छुपा देता है। तभी वहां पर पायरेट आ जाते हैं। पायरेट आकर डार्सी को लात मारता है। तभी डार्सी बेहोशी से उठ गई। पायरेट को देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी टॉम पीछे से आकर उस पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। डार्सी कहती है मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। टॉम कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद डार्सी अपने ड्रेस को काट देती है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। वो दोनों फिर छुपते हुए मैनेजर के कैबिन में चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एक पीसी दिखता है। वो ऑनलाइन पुलिस को बुलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर से नेटवर्क ना होने की वजह से वो डिसअपॉइंट हो गए। उन्हें आवाज आई और नीचे बेसमेंट से मैनेजर की सेक्रेटरी उन्हें नीचे बुलाती है। वहां का मैनेजर गुस्से में कहता है कि यहाँ पर पायरेट्स आते रहते हैं और इस बार काफी जल्दी आ गए। इस बात पर डार्सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती कि तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। मैनेजर की सेक्रेटरी कहती है कि मैंने ये सब टॉम को बताया था, पर टॉम माना ही नहीं। डार्सी ने गुस्सा होकर टॉम से कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो दोनों फिर से झगड़ने लग जाते हैं। डार्सी टॉम से कहती है कि हमेशा तुम लोगों के लिए जरा ज्यादा ही एफर्ट्स करते हो और इसी वजह से तुमसे गलती हो जाती है। टॉम फिर डार्सी से कहता है बाहर से तो तुम बहुत ही बहादुर हो, लेकिन अंदर से काफी डरती हो, क्या सब शॉन की वजह से है। टॉम को ऑलरेडी पता था कि शायद पायरेट्स अटैक कर सकते हैं और इसी वजह से डार्सी सारी गलती टॉम की ठहराती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ ऊपर पायरेट्स आ गए थे। टॉम धीरे से उनकी बात सुनने की कोशिश करता है। वहाँ का मैनेजर कहता है कि वो लोग ना इंग्लिश में बात करते ना फिलीपींस में, तुम लोग उनकी बात नहीं सुन सकते। टॉम फिर डिसाइड करता है डार्सी को उसने अंदर ही रुकने के लिए कहा और खुद ऊपर जाता है। वहाँ उसे पायरेट्स पकड़ लेते हैं। वो उसे बाकी लोगों के पास लेकर गए। उससे वो डार्सी के बारे में पूछते हैं। तो टॉम कहता है मुझे डार्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शॉन ने कहा कि तुम्हें पता है पर तुम बताना नहीं चाहते। टॉम शॉन से कहता है कि ये सब होने के पीछे तुम ही रीजन हो। टॉम ने पायरेट्स के कान में जाकर कुछ कहा, इससे वो गुस्सा हो जाते हैं और टॉम को मारते हैं। इसके बाद टॉम शॉन का गला पकड़ लेता है, सबसे कहता है कि यही असली गैंगस्टर है, इसने पायरेट्स के साथ मिलकर ये सब किया है, ये रॉबर्ट के पैसे चुराना चाहता है। शॉन ने कहा कि तुम सब लोग इसकी बातों पर बिलीव मत करो। टॉम कहता है कि मुझे पायरेट के पॉकेट से शॉन का कार्ड मिला। यही कार्ड देखने के लिए एक आदमी टॉम के पॉकेट से कार्ड निकालता है। सबने देखा और रॉबर्ट शॉन से काफी गुस्सा हो गया। तभी शॉन टॉम पर गन लगा देता है। टॉम कहता है कि तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर टॉम की चिट्ठियां पढ़ता है। उसने डार्सी के लिए लिखी थी। वो रियलाइज करती कि टॉम बहुत ही अच्छा है, लेकिन डार्सी ने उतनी ज्यादा उसकी कभी परवाह नहीं की। फिर डार्सी अग्रेसिव होकर गन उठा लेती है और डिसाइड कर लेती है कि वो टॉम को बचा कर रहेगी। इसके बाद शॉन टॉम के पास आता है और डार्सी का उसे पता पूछता है। टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता, हम लोग तब तक साथ में थे जब तक कार नीचे नहीं गिर गई। वो कहता है कि उसके बाद से डार्सी लापता हो गए।
शॉन कहता है कि मैं उसे खुद से ढूंढ लूंगा। फिर शॉन कैट को भी अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि रॉबर्ट उसे कुछ कर ना सके। इसके बाद डार्सी टॉम के सामने आती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, उससे वो माफी मांगती है। टॉम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन तभी वहां पर पायरेट्स आ जाते हैं, उसे भी उन्होंने पानी में डाल दिया। डार्सी कहती है कि यहाँ पर तो सब लोग हैं, पर कैट नहीं दिख रहे। तभी एक आदमी पीछे से आता है, कहता है कि लास्ट नाइट उसने शॉन और कैट को किस करते हुए देखा था, उसने उनकी वीडियो बना ली थी। ये देखने के बाद रॉबर्ट का दिल टूट जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि शॉन और कैट हेलीकॉप्टर से कार के एक्सीडेंट की जगह ढूंढते हैं। कैट शॉन का हाथ पकड़ लेती है और शॉन एकदम से चिल्लाते हुए नीचे की ओर देखता है, उसने एक्सीडेंट की जगह देखी। ये देखने के बाद शॉन काफी टेंशन में आ जाता है, उसे लगता है कि डार्सी एक्चुअल में मर गई है। पायरेट का लीडर शॉन से कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे रिच बना दोगे। शॉन कहता है कि ये फिक्स नहीं है। पायरेट ने कहा कि मुझे सारा पैसा चाहिए। कैट ने कहा कि टेंशन मत लो। पायरेट का उसने सीट बेल्ट खोल दिया और नीचे गिर जाता है। शॉन ने कहा कि तुमने किया क्या। कैट पायलट को वापस पीछे चलने के लिए कहती है। शॉन कैट से कहता है कि तुमने सही किया। कैट कहती है कि मुझे पता है, मैं सब कुछ ठीक ही करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डार्सी और टॉम एक दूसरे से बात कर रहे थे। पायरेट उनसे कहता है कि आपस में बात मत करो। टॉम पायरेट के रखे हुए ग्रेनेड को देख लेता है, उसे एक आइडिया आया। डार्सी को कहता है कि मैं जैसा कहूँ वैसे ही करना। टॉम सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि शादी के लिए यही सही समय है। वो डार्सी को शादी के लिए पूछता है। डार्सी भी मान जाती है और कहती है कि मैं भी टॉम से बहुत प्यार करती हूँ। पायरेट उन्हें रोक लेता है। डार्सी के डैड उनसे कहते हैं कि शादी के पैसे वो पायरेट्स को दे देंगे। पायरेट फिर मान जाते हैं। डार्सी कहती है कि लड़के वाले एक तरफ और लड़की वाले एक तरफ आ जाओ, पहले सबको कुछ भी समझ में नहीं आता। टॉम फिर उन्हें इशारे करता है और इसके बाद लोग समझ गए थे, अपनी अपनी साइड पर वो खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत डार्सी को फूलों का हार सर पर पहनाती है। डार्सी फिर अपने डैड के साथ टॉम के पास आने लग गए। शादी का माहौल दिखाने के लिए सब लोग सिंग करना शुरू करते हैं। डार्सी टॉम के साथ आ जाती है। सब लोग बहुत ही खुश हो गए थे, पायरेट भी खुश दिख रहे थे। तभी टॉम ने आंखों से मैनेजर की सेक्रेटरी को इशारा किया और पायरेट्स पर हमला कर दिया। तभी डार्सी ने पायरेट का ग्रेनेड ले लिया और वो कहते कि इस ग्रेनेड से सब लोग मर जाएंगे। डर से पायरेट्स नीचे झुक जाते हैं। पायरेट्स दूर भाग गए और फिर फायर करने लग गए। सब लोग वहां से भागने लगते हैं। कैरोल ने गन उठा ली ताकि किसी को कुछ भी हो ना पाए। फिर वो गोली चलाने लग गए। डर कर पायरेट्स बेंच के पीछे छुप जाते हैं। टॉम के हाथ में एक बेसबॉल बैट थी, उसने डार्सी से कहा कि मेरी ओर ग्रेनेड फेंको। डार्सी ने ग्रेनेड टॉम की ओर फेंक दिया। टॉम बैट से ग्रेनेड को हिट करता है। ग्रेनेड जाकर पायरेट के पास फूटा, वहां से कलर्स निकलने लग गए। सब शॉक हो गए और बाहर की ओर जाने लग गए। हम देखते हैं कि कैट और शॉन इस ब्लास्ट को देख लेते हैं। कैट उसे कहती है कि वहां पर काफी सारे पायरेट्स मारे गए हैं। शॉन कैट से कहता है कि मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। कैट कहती है कि ठीक है। शॉन फिर उसे किस कर लेता है। टॉम और डार्सी ने सब लोगों को बाहर निकाल दिया। टॉम अपनी मॉम से कहता है कि आप सबका ध्यान रखना। डार्सी भी उनसे कहती है कि ये नाइफ देने के लिए आपका शुक्रिया। वो दोनों फिर भागते हुए बोट के तरफ जाते हैं। वहां पर एक पायलट पहले से बैठा था। दोनों प्लान बनाते हैं और टॉम छुप जाता है। फिर डार्सी उसके पास घायल होने की एक्टिंग करते हुए जाती है। डार्सी को देखकर पायरेट उसके पास जाता है। तभी डार्सी उसका मोबाइल उड़ा देती है। टॉम उस पर गन लगा देता है। दोनों ने पायरेट को पेड़ से बांध दिया और वो आगे बढ़ गए। दोनों भागते हुए बोट की तरफ जाते हैं। डार्सी कहती कि बोट पर जस्ट मैरिड लिखा था, ये वही बोट थी जो टॉम ने लाई थी। डार्सी टॉम से कहती कि ये सब तुमने मेरे लिए किया। टॉम कहता है कि मैं तुम्हें एक परफेक्ट वेडिंग देना चाहता था, पर ये सब हो नहीं पाया, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो दोनों फिर एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। तभी वहां पर शॉन आ जाता है और फायरिंग करने लगता है। फायरिंग की वजह से बोट की रस्सी टूट जाती है। दोनों छुप जाते हैं और टॉम शॉन पर फायर करने लगता है। डार्सी शॉन से कहती कि तुम एक मॉन्स्टर हो। शॉन डार्सी से कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं, एक एंटरप्रेन्योर हूं। फायरिंग चल रही थी और टॉम का गन का एमो खत्म हो जाता है। वो डार्सी को बोट स्टार्ट करने के लिए कहता है। वो दोनों बोट से दूर जा रहे थे तभी शॉन बोट पर कूद जाता है और बोट को उसने पकड़ लिया। हम फिर देखते हैं कि कैट हेलीकॉप्टर से उन पर अटैक कर देती है। शॉन भी बोट पर आ गया था और डार्सी को बोट रोकने के लिए कहता है। डार्सी कहती कि तुम मुझे मार सकते हो, पर मैं बोट नहीं रोकूंगी। शॉन कहता है कि मैं टॉम को मार दूंगा और वो एक गोली चलाता है। टॉम इस गोली से बच गया था। वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। ये सब देखकर डार्सी बोट तेजी से चलाती है, इससे वहां का पैराशूट खुल जाता है। शॉन और टॉम उस पर लटक जाते हैं। कैट हेलीकॉप्टर से डार्सी पर फायर करने लगती है। डार्सी एक जगह पर छिप गई। टॉम तभी अपने पॉकेट से डार्सी के नकली बाल निकालता है और स्लाइड करते हुए बोट पर नीचे आ गया। कैट उन पर तभी भी फायरिंग कर रही थी। वो दोनों फिर नाइफ की मदद से पैराशूट की रस्सी काट देते हैं। ये पैराशूट कटकर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इसके बाद वो दोनों बोट पर लेटकर आराम करते हैं। कुछ समय बाद बोट आइलैंड पर पहुंच गए। इसके बाद डार्सी और
टॉम फिर से नई शुरुआत करते हैं। टॉम अपनी रिंग डार्सी को देता है। डार्सी खुशी खुशी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। डार्सी कहती है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। इसके बाद वो रिंग पहन लेती है। वो दोनों गले मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस ने सारे पायरेट्स को पकड़ लिया था। सब लोग डार्सी और टॉम की वेडिंग में हाजिर थे। वो दोनों वेडिंग में एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।